हेलो पीपल, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक आप सभी के लिए काम आने वाला है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो। तो आज का टॉपिक है टॉप 3 बिजनेस आइडियाज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एक रुपए भी खर्च नहीं करने वाले, बहुत ही अच्छी इनकम अर्न करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में आप जब सबसे पहले हमारा लिंक ओपन करेंगे वेबसाइट का, वहां पे आपको एक ब्लॉग दिखेगा जिसमें टॉप 3 बिजनेस आइडियाज बताए गए हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वहां पे आप पहला टॉपिक देखेंगे ट्यूटोरिंग। ट्यूटोरिंग से आप लोग सभी जानते हैं, ट्यूटोरिंग यानी कि पढ़ाना। आप इस चीज को बहुत ही बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में भी कुछ स्टेप्स दिए हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर आप अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो एज अ बिजनेस बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, तो आप ये चीज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे ऑनलाइन, चाहे आप वेबसाइट बनाए या फिर आपका अगर सोशल ग्रुप बहुत अच्छा है, और या फिर आपका सोशल ग्रुप अच्छा भी नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं ताकि लोग आपसे जुड़े। आप छोटी छोटी वीडियोस दिखाएं उन्हें हेल्पफुल, जिससे लोग आपसे है कि लोग जरूर आपसे जुड़ेंगे। ये बात जान लीजिए, अगर आप अपने जॉब में 100% दे रहे हैं, आप अपने काम में 100% दे रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो आप इस चीज को यूज करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ट्यूटोरिंग में बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप सब जानते हैं, एक एजुकेशन एंड दूसरा हेल्थ, ये दोनों ऐसी लाइन है जो कभी भी बंद नहीं होने वाली है। सो डू गिव योर बेस्ट, आप ट्यूटोरिंग को अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। और अगर आप चाहें, हमारा फर्स्ट टॉपिक, मैं आपको धीरे धीरे करके थोड़े सब टॉपिक्स बता देती हूँ कि आपको स्टेप वाइज क्या क्या करना है। आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि डिटरमाइन करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये है आपका स्टेप वन। सेकेंड है चूज योर ट्यूटोरिंग अप्रोच। अब आपको देखना है कि आपको फिजिकली पढ़ाना है या फिर ऑनलाइन पढ़ाना है। आप दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, इवन आप स्टार्ट कर सकते हैं घर से भी पढ़ाई स्टार्ट करने में, तो जिससे कि आप फेमस हो, धीरे धीरे फेमस होके लोग आपको खुद, आपका खुद ये बिजनेस डेवलप हो जाएगा। थर्ड है आपका चूज योर प्राइस स्ट्रेटेजी। आपको प्राइस स्ट्रेटेजी चूज करनी है कि आपको एक सेशन के हिसाब से कितने पैसे चार्ज करने हैं। आपका है प्रमोट योर ऑफरिंग, आपको थोड़ा प्रमोट करना है, यानी कि आप फेसबुक पे अपना पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाइए, इन सब पे अपना कंटेंट डालिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, हैक्स की वीडियोस होती है, पढ़ाई की वीडियोस होती है, लोग बहुत देखते हैं उन्हें। धीरे धीरे करके लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको जानेंगे, देन तभी वो आपके कस्टमर्स बनेंगे। तो यही है बेस्ट बिजनेस आइडिया जो हमने अभी बताया है आपको। ट्यूटोरिंग में सीरियसली गाइस बहुत पैसा है, आप इसे एज अ बिजनेस बना सकते हैं अगर आप इस चीज में अच्छे हैं। तो देन आपको अपना थोड़ा ट्यूटोरिंग मटेरियल डेवलप करना है, यानी कि स्टडी नोट्स वगैरह ये सब आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेटअप योर ऑनलाइन ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म। अब आप किसी पे भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मतलब आप जूम पे कर सकते हैं, स्काइप, कुछ भी यूज करके कर सकते हैं। आजकल जूम, गूगल मीट ये सब चलता है, आप यहाँ पे सेशन दीजिए, एक घंटे के हिसाब से चार्ज कीजिए, तो क्यों नहीं लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, और अपने स्टूडेंट्स को एक नेटवर्क बनाना है, उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं ना, तो बच्चा दोबारा आएगा। तो ये आपको डेवलप करना है, आपकी अप्रोच रहने वाली है। बाकी इस ब्लॉग को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब हम अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग हम ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन ठीक से जानना इसको बहुत जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि हम अपना, मतलब हम अपना कुछ नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों की चीजों की सर्विसेज बेच रहे हैं। यानी कि लोग, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, आजियो, कुछ भी, ठीक है। हम उनका, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हैं आपके साथ। तो ये जो होता है, अब आपके पास ना लिंक जनरेट होगा उनके प्रोडक्ट का, अब आपको उनके प्रोडक्ट की सेल करनी है। तो आप जैसे वो सेल करेंगे ना, तो उसका X% कमीशन आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने साइन अप किया फ्लिपकार्ट प्रोग्राम में, एफिलिएट प्रोग्राम में, देन वहां पे मैंने एक जूता लिया जो है 1000 रुपीज का, देन तो जो 1000 रुपीज है उसमें कुछ परसेंट कमीशन मेरा है अगर मैं किसी को ये लिंक दूंगी, और वो इंसान जो वो ले रहा है, जो वो परचेज कर रहा है, वो मेरे लिंक से उसे खरीदता है, तो उसे एक्स, जो वो खरीदता है ना, तो वो X% का फायदा मुझे होता है। तो यही है एफिलिएट मार्केटिंग की पावर। सबसे बड़ी बात एफिलिएट मार्केटिंग में, अपना बेस बनाइए।
बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ, इसे याद रखिएगा। आपको दो तीन चीजें करनी है, यानी कि आपको इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, थर्ड है आपका फेसबुक, फेसबुक पेज। तो इन तीन चीजों पर अपना सेम कोई नीच सेलेक्ट कर लेना है, चाहे आप हेल्थ प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे आप क्लोथिंग ले रहे हैं, चाहे आप कुछ भी ले रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप कपड़े बेचेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके ना अपना स्टार्टअप कीजिए, लाइक पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ का ले लेते हैं कि हम अपना फैट कैसे बर्न करें, तो धीरे धीरे करके ना इसकी इन्फॉर्मेशन दे, लोग देखते हैं ये सारी चीजें देखते हैं, तो धीरे धीरे करके वो आपके व्लॉग पर आएंगे, आपके ब्लॉग पर आएंगे, हर चीज पर आएंगे, वो धीरे धीरे आपसे जुड़ेंगे। देन जैसे ही आपके पास अच्छे फॉलोअर्स बन जाएंगे, आप अपना लिंक अटैच कर देना कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से आप ये कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट से आप पतले हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करके आपकी डाइट अच्छी हो सकती है, तो ऑब्वियसली लोग क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट पे जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट लेंगे ही। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं, तीन प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, सेकंड इज फेसबुक पेज एंड नंबर थर्ड इज पिंटरेस्ट। इन तीनों प्लेटफॉर्म को एक साथ लेके चलिएगा, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो ये सब था एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आप ये चीज जरूर फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे एक डेडिकेटेड व्लॉग जरूर लाऊंगी, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि एफिलिएट मार्केटिंग है कैसे, और मैं इन डेप्थ नॉलेज दूंगी इससे भी अलग अलग कि आप और क्या क्या कर सकते हैं इस चीज से। तो आप मेरे साथ ट्यून रहिएगा। ओके, नाउ अब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड टॉपिक जो है वो है ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप हो सकता है अगर आप चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एक्सपर्टीज इन इंग्लिश, आप इंग्लिश से रिलेटेड यानी कि एक प्राइमरी लेवल इंग्लिश, हायर लेवल इंग्लिश, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं जिसमें भी आप बेस्ट हैं, एक अपना कोर्स बना दीजिए, 10-12 वीडियोस का, चाहे 30 वीडियोस का एक कोर्स तैयार कर दीजिए, एक एक घंटे की वीडियो या आधे आधे घंटे की वीडियोस का एक कोर्स तैयार कर दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे से इलस्ट्रेशंस करके। देन आप इन चीजों को, इन कोर्सेज को बेच सकते हैं बहुत ही वेल नोन प्लेटफॉर्म पर। फॉर एग्जाम्पल यूडेमी आप यहाँ पर बेचेंगे, आपको पता है जब भी मतलब आपको तो ऑटोमेटिकली एक तो ट्रैफिक मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, यानी कि आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बात श्योर है कि आपके पास बच्चे आएंगे ही आएंगे आपका कोर्स खरीदने। तीसरी बात, ये जो कंपनीज होती है ये आपको 80-90% आई थिंक इतना कोई रेशियो होता है, 70-80% का रेशियो होता है वो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने अपना कोर्स 999 rupees का बनाया है, 1000 rupees का कोर्स आपने बनाया है, देन 20% कंपनी अपने पास रखेगी, बाकी आपके पास रहेगा, यानी कि आप एक बच्चे से 800 rupees कमा रहे हैं। देखिए अगर आप खुद से मार्केटिंग करेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर यू हैव एक बेस बना हुआ है बच्चों का, तो ये जो बेस है ना ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो डू अप्लाई, ये जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है तो हम ट्राई क्यों नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये तीन ऐसे मैंने आपको बिजनेस आइडियाज बनाए हैं, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल आइडियाज है, वेल टेस्टेड आइडियाज है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिए। गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड शेयर जरूर करना, शायद ये वीडियो किसी के काम आए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।